हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं ना गली में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी न्यू मोबाइल के साथ। तो अभी नाश्ता करना है, जा रहा हूँ मैं अंडे लेने के लिए। आज मामा ने कहा कि आपको मैं ना अंडा पराठा बना के देती हूँ साथ चाय, तो जो कि मेरा फेवरेट नाश्ता आप लोगों को पता है। तो बाकी ये न्यू मोबाइल मेरे हाथ में, इसके साथ आज का पूरा ब्लॉग बनेगा, मतलब आगे जितने भी ब्लॉग हैं सारे इसके सारे बनेंगे। धूप में खड़े होकर देखे कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सिनेमैटिक्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं अभी अंडे लेने के लिए, सामने दुकान है। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आगे आपको पता है भाई, उमर की शादी भी आ रही है और उसकी भी वीडियो बनानी है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। शुक्र है मोबाइल आ गया, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपके भाई ने अंडे ले लिए हैं, ये देखें जी, हाफ दर्जन अंडों की ले ली है। अभी घर चलते हैं, और घर चल के मामा को कहते हैं कि मामा जी नाश्ता बना दे। रात का मैं मोबाइल को चला रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। पूरी रात को मैंने मोबाइल देखा है और बैटरी बैकअप इसके इतना अच्छा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी मोबाइलों से जो दूसरे आईफोन होते हैं ना, जो इससे नीचे मॉडल के होते हैं, X11, 12, उनकी बैटरी इतनी अच्छी होती है जितनी ये मोबाइल की अच्छी बैटरी है। और रिजल्ट तो इसका मैं आपको क्या ही बताऊँ, फिर उसकी तो आप बाहर छोड़ ही दें। देखिए हमारा घर आ गया, चलते हैं अंदर की तरफ और चल के नाश्ता करते हैं। यार नाश्ता बन गया है फाइनली, ये देखिए आप लोग, अंडा और पराठा और साथ एक कप चाय का। तो बाकी अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर ना बाद में आपसे मिलता हूँ। यार अभी जा रहे हैं बाजार, आपको पता ना कि भाई उमर की शादी आ रही है, बस 10-15 दिन रह गए हैं सॉरी शादी में। आ रहे हैं शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी सूट लेने हैं, कोई 2-3 चलते हैं वहाँ, मैंने भी लेने हैं, पापा ने भी लेने हैं। दोस्तों बाजार आ गए हैं, ये देखिए दुकान में अंदर चल कर ना यार शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों ये लट्ठे के सूट पहले निकाले हैं, वाइट कलर के, और भी 2-3 देख रहे हैं, मैंने भी अपने लिए 2 लेने हैं और पापा ने भी 2 लेने हैं अपने लिए। लट्ठे के सूट पहले ये वाइट कलर का आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, दुकान देखे, बहुत बड़ी दुकान है। और इन की दुकान का ना बाजार में नाम भी अच्छा है, मतलब अच्छा खासा नाम है इनों का। ये देखें जी, अभी 4 सूट ये भाई कट कर रहे हैं, 4 सूट ये लट्ठे के लिए हैं और 4 सूट अभी और लेने हैं। यह आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये देखें लट्ठा लिखा हुआ है, तो अभी पढ़ रहे होंगे 4 सूट ये ले लिए हैं, 4 सूट ये वाले जो आप कलर देख रहे हैं ना, ये वाला कलर 4 सूट ये लेने लगे हैं, टोटल 8 सूट हो गए। तो ये सूट लेकर ना बाकी फ़िलहाल घर चलते हैं, इतने ही बहुत है, आगे भी 2-3 सूट और पड़े हुए हैं हमारे पास। मैंने कहा आपको बिल भी दिखा देते हैं, ये देखिए 4 सूट लट्ठा और 4 सूट काटन के, टोटल 23,200 बिल बन गया है। तो फिलहाल बहुत है इतने ही, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये ले पैक कर दिए हैं सूट भाई ने, 4 सूट ये हैं, 4 सूट ऊपर है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। मैं और पापा और दादा वो एक कलर के कपड़े पहनेंगे। यार पापा दादी दादा सूट ले रहे हैं, मैं आया हूँ बर्गर वाली दुकान पर, यहाँ से ना मैं कुछ चीज़ खाने लगा हूँ, भूख लग रही थी, मैंने कहा यहाँ से कुछ चीज़ खा लेते हैं। पर यार बैठा हूँ, ऑर्डर दे दिया है शामी बर्गर का, अभी आते हैं ना फिर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पापड़ी चाट आ गई है, ये मैं खाने लगा, और बर्गर का ऑर्डर भी लग रहा है, वो रेडी हो रहे हैं, आते हैं ना आपको दिखाता हूँ। दादी दादा और पापा ना कपड़े ले रहे हैं, मैं और मामा यहाँ आके ना चिल कर रहे हैं और साथ चीजें खा रहे हैं। तो बर्गर्स भी फाइनली आ गए हैं, एक ये देखे मेरा आ गया है, ये केचप साथ पड़ा हुआ है, और देखे पापा भी खा रहे हैं बर्गर। बिना जूती लेनी है, एक जूती वाली दुकान पर आए हुए हैं, ये कितनी ज्यादा जूती लगी हुई है, खुश है केड़ी जूती, मेरी सलाह ले रहे हैं, देखे कितनी ज्यादा लगी हुई है, इनमें से देख के ना पसंद करके ले लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी जूती है, इसमें बुरा पूरे आ जाना है, इसमें बुरा रून दोनों ने पूरे आ जाना है। जूती मिली है, असल में साइज नहीं ढूंढ रहा है, तो ये दूसरी दुकान पर आए हैं, पेशावरी जूती देख रहे हैं, देखते हैं अगर कोई मिलती है। तो ये देखें जी, जूती आ गई है, पेशावरी जूती नहीं थी ये, ये ना डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था और साइज़ भी पूरा था, तो मैंने कहा पेशावरी जूती बार बार बंद करनी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, तो यही ले लेता हूँ, ये देखें आराम से पहनो और घूमते रहो जहाँ मर्जी। जो मुझे ईद मिली हुई थी ना, उससे पैसे बचे हुए थे, तो मैंने अपनी जूती ले ली है। देखे दोस्तों, हम ना घर आ रहे थे, तो रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई है, अब पेट्रोल पंप के नीचे हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर, ये देखिए आप लोग बारिश बहुत तेज़ है, कपड़े भी भीग गए हैं, हल्की सी काम होती है ना, फिर चलते हैं घर। घर तो आ गए हैं लेकिन फुल भीग गए हैं, पेट्रोल पंप से बाहर निकले हैं तो इतनी तेज फिर से बारिश आ गई, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं घर तो पहुंचे पहले, तो घर फाइनली आ गए हुए हैं लेकिन फुल भीग गए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये देखे फुल भीग गए हैं, पहले तो हल्की हल्की छींटे पड़ी हुई थी ना बारिश की, लेकिन अभी फुल शर्ट गीली हो गई हुई है। मैं नहा कर ना कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़े चार्जर पर लगा लूँ,
फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों नहा कर ना मैंने ना कपड़े डाल दिए, ये देखें ये शर्ट मैंने पहनी है और नीचे ये ट्राउजर मैंने पहना हुआ है ब्लैक कलर का। और बाकी बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सुबह की बारिश हो रही है, ये देखें शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी, तो सुबह की बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। अभी खाना बन रहा है, मम्मा बना रही है आलू गोभी और साथ रोटी घर की। तो मैं ना गेम खेलने के लिए जाने लगा था, बाहर में चला गया हुआ था, मैं गेम में जाने लगा था लेकिन मामा ने मुझे गुस्से हुई है कि पहले खाना खा लो फिर चले जाना, और बारिश भी होने लगी है। तो सुबह की आज बारिश हो रही है, ये देखा ना अभी लाइट गई है, तो फ्लैश मैंने ऑन कर लिया है, फ्लैश का बहुत फ़ायदा है, तो लाइट भी चली गई है, देखिए हम दो दफ़ा लाइट चली गई है। तो ये देखिए बारिश बाहर और तेज़ हो गई है, तो बाकी दो तीन दिन से मौसम इसी तरह से चल रहा है, तो बाकी कोई बात नहीं, ये भी अच्छा मौसम है। कितनी तेज़ बारिश है, बारिश आप लोग चेक करें, वाओ वो देखे चाचू बाहर आया तौलिया लेके, ये देखे बारिश अंदर भी आ रही है, बहुत तेज बारिश हो गई है, वो देखे पानी वहां से भी निकल रहा है पाइपों से बाहर। मैंने खाना खा लिया, ये देखे भी पापा भी खाना खा रहे हैं, ये देखे जी नीचे आ गए हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है। अरुण नहा लो जाके बारिश में, नहीं यार ठंड बहुत है, तुम छोटे नहा लो, आ जाओ सर्दी बहुत है यार, इसे बाहर निकालो, चलो नहा लो नहा लो नहा लो नहाओ, चलो चल जाओ नहा जाओ, दौड़े ही अंदर, अरे की होई मेरी बारिश जल्दी खत्म हो गई है, लेकिन वहां आप लोग देखें ऐसे लग रहा है दरियाए चनाब है, ये देखें ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोग देखें यहाँ मैं शेड के ऊपर आया हूँ टेरेस के ऊपर, और आप लोग माशाल्लाह मौसम देखिए इतनी की ठंडी हवा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोगों को झंडे से पता चल ही रहा होगा, तो रिजल्ट भी ऊपर से मोबाइल का माशाल्लाह शीशे की तरह नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बाहर ना रात हो गई है, तो मैं घर आ गया, वो थे तो बहुत दिन हो गए थे कि जो मैं लैपटॉप ने चार्जर पर नहीं था लगाया, वो अभी आप लोग यहाँ देखे चार्जर पर अभी भी मैंने लगाया, ये देखे यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये तार आ रही है, यहाँ कनेक्ट किया तार को और यहाँ से ये लैपटॉप में चार्जर लगाया, तो ये जो डिब्बा ना डिब्बे में यहाँ रख देते हैं, बार बार इसे देख कर ना बहुत खुश होता हूँ कि मेरा मोबाइल इसमें आया था। तो बाकी अभी मैं थोड़ी देर एल सी डी देखने लगा, बहुत दिन हो गए होंगे आप देख रहे होंगे कि मैं एल सी डी देख रहा इतनी ज़्यादा, तो बाकी अभी आज थोड़ी देर ना एल सी डी देख लेते हैं, इन्जॉय करते हैं थोड़ा सारा। आपको पता ना ईद भी थी और उससे पहले पेपर भी थे, तो ज़रा फारिग नहीं थे, तो बाकी अभी फारिग हो गए हुए हैं, अभी ज़रा ये इन्जॉय करते हैं थोड़ा सारा। ये देखें मेरा iPhone 14 Pro Max का व्लॉग आ गया, आप लोग जल्दी से जाएं और व्लॉग देख लें। तो यहाँ बैठ कर ना खाना खा रहे थे और साथ में ना फिल्म देख रहा था, वार्निंग 2 न्यू फिल्म आई हुई है, वार्निंग का पहला पार्ट भी देखा था, वार्निंग का दूसरा पार्ट भी देखा था, हल्का हल्का गला ख़राब हो गया, बोला नहीं जा रहा, और बाकी साथ में ना लैपटॉप देखने लगा था अभी अभी, तो एयरपोर्ट्स में लेकर आया था देखने लगा था, और बाकी लाइट ही चली गई है, कोई बात नहीं है। और मैं ना इस वाले व्लॉग ही पेंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।